तो चलिए बंगाल वॉरियर्स की तरफ से होगी पहली रेड और वो रेड संभवतः करने आएंगे मनिंदर सिंह। खास है आज का मुकाबला मनिंदर सिंह के लिए अपना 100वां वीवो प्रो कबड्डी मुकाबला खेल रहे हैं आज और 100वें मुकाबले में सुपर 10 लगा के इसे यादगार बनाना चाहेंगे। 237 रेड पॉइंट हैं और चाहेंगे कि 250 का आंकड़ा छुएं। शुरुआत कर दी है, साहिल को बाहर किया। यही सीजन हमने देखा है कितने आराम से जब भी मनिंदर सिंह रेड करने आते कन्वीनियंटली पॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि एसके बेहतरीन करते हैं। यहां लेफ्ट कॉर्नर से गलती हुई, नबी बख्श इन्होंने बतौर ऑलराउंडर अपना बहुत बड़ा मकाम बनाया है वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी। बंगाल वॉरियर्स की शुरुआत अच्छी रही इस सीजन, लेकिन सीजन के सेकेंड हाफ से दिक्कत यही कि मनिंदर को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। डिफेंस ने अब तक संयम बरता है, मनिंदर को पता है वो सेल्फ आउट होने वाले हैं। टाइम निकल गया है, मनिंदर भी निकलना पड़ेगा। बच गए, ना केवल बचे बल्कि पहले हाफ के अंदर ही मनिंदर सिंह ने इस सीजन में अपना 15वां सुपर 10 पूरा कर लिया है। मुबारक, 100वां मुकाबला और 100वें मुकाबले को यादगार बनाया अपने 15वें सुपर 10 से इस सीजन में मनिंदर सिंह, यू ब्यूटी। बंगाल की तमिल तलाईवास पर 18 पॉइंट की बड़ी लीड है। ऑरेंज स्लीव है सागर के पास, इस सीजन के सबसे बेहतरीन डिफेंडर सागर, कारण यही है चले तो इनसे बेहतर कोई नहीं। नबी बख्श अभी भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऑल आउट दे दिया है। जो भिड़ेगा वही बढ़ेगा, इस सीजन का मंत्र है ये और ये मंत्र इस सीजन में कई रेडर्स ने फूका है, कई रेडर्स ने उसका अनुपालन किया है। यहाँ बंगाल में अगर मनिंदर बेंच पर हैं तो कम से कम अबोजार हैं, नबी बख्श हैं, रणसिंह हैं जो अनुभवी खिलाड़ी हैं। तलाईवास में सुरजीत को छोड़ के कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो टीम चलाए। रणसिंह का एडवांस टैकल कामयाब, अबोजार का सपोर्ट आया। चौथा टैकल पॉइंट आज की शाम रणसिंह के नाम, और आज जितना ज्यादा एडवांस आ रहे हैं उतनी ज्यादा सफलता मिल रही है रणसिंह को। सुपर टैकल सिचुएशन अब एक बार फिर तमिल तलाईवास ऑल आउट के करीब है। नबी बख्श 11 रेड पॉइंट आज की शाम, 11 के क्या यहां 13 होंगे, क्या एक बार फिर ऑल आउट है तमिल तलाईवास। नई मैच की समाप्ति हो गई है, डिफेंडिंग चैंपियंस बंगाल वॉरियर्स जो प्लेऑफ्स से तो बाहर हैं लेकिन आज डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही खेले हैं, कन्विंसिंगली हराया है तमिल तलाईवास को।